2018 के चुनाव में बिंद में बिल्कुल बीजेपी की बयार बही थी, लेकिन अब 2023 का चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीति के क्या सुरताल हैं, क्या नई बयार यहां बहेगी, क्या नए सुर यहां छिड़ेंगे, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा सीट पर। सोना चांदी महल खजाना जहां पड़ा रह जाएगा, ना कुछ लेकर आया रे बंदे, ना कुछ लेकर जाना है। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में जब हम गुजर रहे थे तो कई लोगों ने बताया कि पानी की समस्याएं हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल क्या है ये हम आपको दिखाते हैं कि ये एक जो हैंडपम्प है उस पर कुछ बच्चियां जो है वो पानी भरते नजर आ रही हैं। केवल बच्चियां ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लाइन लगा के पानी भर रहे हैं। हम उनसे बात करने को, आप बताइए कि कब से ये समस्या से जूझ रहे हैं? बहुत दिन से समस्या से जूझ रहे हैं, 10-20 साल से यहाँ पानी का कोनो प्रबंधित नहीं हो रही है। बहुत दिनों से हो गया भाई साहब, बहुत दिनों से पानी का बहुत संकट है। शासन की नल जल योजना वाली भी यहाँ पाइप तक नहीं बिछी हुई है, और शेष जैसे नई ये हुआ, खटकरी हुआ, ये चमड़हर हुआ, छिपिया में कुछ जा रहे हैं पानी होनी, लेकिन यहाँ पानी है अभी तो पाइप ही नहीं लगी है यहाँ पर। हमको तो कोई देखने को संभावना नहीं लग रही, जब कोई यहाँ पर वही नहीं हुआ तो क्या क्या मिलेगा। जो आपके विधायक हैं वो भी तो कभी आते होंगे, उनसे तो बात आते हैं, लेकिन उसके विषय में कोई चर्चाएं नहीं है, होकर सुन लेते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन कोई जो है तो नहीं है। 10 साल से इसमें 7-8 गाँव के पानी को आते हैं, 3:30 बजे भोर से इसमें पानी भरने, 3:30 बजे रात से पानी भरने लगते हैं। सुबह आप 3:30 बजे आए, कम से कम 200 डब्बे आपको मिलेंगे साहब। बहुत सारे इलाके के लोग यहाँ, हाँ, एक ही साधन है पानी का, एक ही साधन पानी का। इतना संकट है, इतना पानी का संकट है जिसकी कोई भरोबार कोई सीमा ही नहीं है, इतना संकट पानी का है। दादा क्या समस्याएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? बहुत दिन रहेंगन कि हमारे यहाँ नल जल योजना हो जाए, तब कैसनों के मंजूर है, ता तक एक बूंद पानी नहीं आए, पाइप भर बिछा दी, टंकी लगा दी, और टंकी हमारे चूरिया बड़ा गांव है। कब से लगी है टंकी? अरे टंकी आज 1 साल से लगी है, परंतु पानी नहीं आया कहाँ। बिजली का वो थे आज 6 साल से का खम है, आंधी आई देखो तूफान, वही साल से बंद है, आज तक वह लाइट हम लोगों के यहाँ नहीं लगी है। क्या बोलते हैं, पड़ा है ट्रांसफार्मर ऐसे खाली है, खंभा जो ना खंभा टूट गया। आपके जो विधायक हैं वो लोग आते होंगे, पार्टी के लोग आते होंगे, उनसे तो आपने कभी बोली हुई? हाँ, लाल लाल लाइन भी भाई है, बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर है। यहाँ पर साल भर से कहा था टंकी लगी हुई, दूध बोर हुए, पानी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था आज तक कुछ इन्होंने किया है। सगले बस्ती में खुशबहा लोग हैं, इनके टोटी लगी है, पर एक भी मूंद पानी नहीं है सर। युवा हमारे साथ हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, या आपने जो विधायक जी उससे काम काज से कितना खुश नजर आते हैं? बहुत खुश जी। क्या क्या बड़े विकास काम हुए आपके यहाँ? क्या हमारे रोड का विकास हो रहा है जी, और आज कार्यकाल में वृद्धि हो रही है, सब कुछ हो रहा है विधायक जी के कार्यकाल में। क्या लगता है कितने काम हुए इस साल? इस साल 50% काम हुए, 50% नहीं हुए हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ भी सब खत्म है, सब पुराना है, कुछ नहीं सही है। विधानसभा अध्यक्ष अपने नई गढ़ी अपने मतलब देतलाव क्षेत्र के विधायक हैं, और विधान पूरे मतलब की एमपी के विधानसभा अध्यक्ष है, तभी कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब है? क्या क्या बड़े काम हुए? कुछ लोग युवा है वो कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, बहुत दिन हो गए बीजेपी के। अरे युवा क्या जाने, युवा क्या जाने,
ये नगर पालिका के पार्षद जी है, वार्ड क्रमांक 6 के, इसलिए बोल रहे हैं इस तरह। बाकी देखिए और भी कुछ लोग हैं। पूछो नहीं बाबा, क्या काम, क्या काम आप पूछ रहे हैं? विकास कार्य कुछ हुआ क्या? विकास का काम, सड़कें, बिजली, पानी, सड़क कुछ तो मिला होगा आपको? अरे होगा, जब बीजेपी जब से आई तो कुछ हुआ, कांग्रेस में तो कुछ नहीं था। देखिए हम भाई बता रहा हूँ, तो देखिए जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो इस नई घड़ी से देखने को मिल रही है। युवा मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में बहुत कम काम हुए थे, बीजेपी के समय में लगातार काम बढ़ रहे हैं। कहता है वोटर में जनता के मुद्दे जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के पास, क्योंकि जनता ने जो सवाल खड़े किए हैं या ये कहें जो समस्याएं बताई हैं उसका जवाब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से लिया जाएगा। और साथ ही हम पूछेंगे विपक्ष से भी कि आखिर उनकी 2023 को लेकर क्या रणनीति और उनकी नज़र में जो विधायक हैं उन्होंने कितने काम किए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, सीधा जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या लगता है कितना काम हुआ आपके विधायक जी के कार्य? हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी विगत 15 वर्षों से विधायक हैं, उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो किसी विधायक ने आज तक नहीं किया। पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है, हर ब्लॉक में जो कमियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। नई गढ़ी नगर परिषद में उन्होंने विवाह घर, बस स्टैंड, अष्टभुजी माता मंदिर में, बहुद्देशीय भवन, सुलभ शौचालय, खेल मैदान में, स्टेडियम, कई ऐसे सौगातें दी हैं। तो देखिए बिल्कुल जान लेते हैं कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ, क्या लगता है भाई साहब आपके साथी कह रहे हैं तमाम गिना रहे हैं? आपने कहा विवाह घर, आज आपकी पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष है, नगर परिषद की बिल्डिंग नहीं है नई गढ़ी में, इस 15 साल में बिल्डिंग नहीं है, किराए मंगलम भवन में रह रहे हैं, आपसे पूछ लीजिए। खेल स्टेडियम की बात हुई, स्टेडियम की घोषणा 15 साल पहले हुई थी, आज तक जाके यहीं नई गढ़ी से निकलेंगे तो आप देख लीजिएगा खेल स्टेडियम एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। और तीसरी बात रोड का विकास, इस 15 साल में अभी यहाँ से देवतलाव से लेकर नई गढ़ी तक खुदाई चल रही है, शायद चुनाव तक बन जाए फीता काटने के लिए कि हम चुनाव आ रहा तो हमने रोड बनाया, इसके अलावा कुछ काम दिखा नहीं। भाई साहब पहले हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय से पूछिए जहाँ खड़े हैं, तो गिरीश गौतम जी के पहले विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भाजपा की और सब हुआ करते थे। ये जमीन खड़े होने लायक थी कि बंजर था, खेती करते थे लोग अवैध कब्जा करके, जहाँ तहसील बनी है, जहाँ रेस्ट हाउस बना है, ये माननीय गिरीश गौतम की देन है। अब सोच लीजिए इनको क्या बताएं हम कि ये लोग ऐसा चश्मा लगा के रखे हैं कि विकास नहीं दिखता है इनको। ये कहीं आप रोड उखड़ी पाए हो तो बताइए, आप जो रोड उखड़ी आप पाए हैं तो उसमें आप बगल में देखिए तो उसका टेंडर लगा है, काम चल रहा है। अब इनके जमाने में 15 वर्ष पीछे चलिए, इनके जमाने में रोड थी कि गड्ढा था कि गड्ढे की रोड थी, क्या था क्या नहीं था, डिलीवरी लेके हम लोग जाने वाले हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ से नई गढ़ी से जब नहीं कर देते थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तो रीवा लेके जाते थे, तो कभी रीवा में डिलीवरी नहीं हुई। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि वो नेता हैं निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात कही। हम देखिए मुद्दों पर बात करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे जो यहाँ के, जब ही अभी अस्पताल की बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, यहाँ करीब कांग्रेस का विधायक बने 30-35 वर्ष हो गया, इसके बाद अन्य दल के विधायक रहे, आइए लगातार 15 वर्षों से सरकार में हैं, और 15 वर्षों से सरकार में होने के बावजूद भी आज उसे जिस अस्पताल की दुहाई दे रहे हैं भाई साहब, उसी अस्पताल से अभी 2 महीने पहले एक डिलीवरी वाला ठेले में लेकर गया टटियारा से अस्पताल, ये उनके हाल हैं। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल हैं। ये विकास की बात जहां करें, आप देखे होंगे अभी आप आए होंगे तो सड़क में जरूर ये मोरम और मिट्टी मिली होगी, इसके पहले किसी भी प्रकार का ये सड़क की हालात जहां नहीं निर्मित है वो आप चुपर चुपर के लेप लगा करके अपने कार्यों पर लेबल मात्रा लगाया जा रहा है किसी प्रकार। और कुछ बात सुनिए, कह रहे जो काम होते हैं एक बिल्कुल सुन ही लीजिए आप,
क्षेत्रीय मुद्दों की वहाँ जहाँ तक बात है, हम लोग चूंकि गांव से मिले हुए लोग हैं, ग्रामीण एरिया के लोग हैं, हमारी सबसे प्राथमिकता तौर पर होना चाहिए किसानों की प्राथमिकता, जो बिल्कुल इनके पूरे एजेंडे में कहीं नहीं दिखती। चूंकि कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने गौशालय बनाने का निर्माण किया, इसके बाद सरकारें चली गई और वो जहाँ जहाँ बुनियाद पड़ी थी कमलनाथ के टाइम में, उतने बुनियाद आज भी पड़ी है। कोई भी कार्य कोई भी क्षेत्र में, यहाँ नगर जो आपके नहर का पानी है, बाणसागर का पानी रीवा जिले में इस क्षेत्र में आज तक नहीं पहुंचा, जबकि कागजों में इसकी खाना पूर्ति भी है, इसका आप पता कर लीजिएगा। खाना पूर्ति होने के बाद भी किसी भी प्रकार के जो किसानों की मेन समस्या, किसानों की समस्या पर भारतीय जनता पार्टी के किसी जान लेता हूँ, बीजेपी से जान लेता हूँ। कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सरकार ने गौशाला बनाने का काम शुरू किया था, जो अधूरी रह गई, सरकार चली गई, तो आपने काम पूरा ही नहीं किया। काम पूरा हो गया है, जो कुछ है सारी वो गौशाला संचालित है, और इनका तो काम है वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हाल है। ये लोग कांग्रेस के लोग हैं, ये चश्मा उतार के बात करते हैं तो इनको समझ में नहीं आता सर। एक आरोप और लगा रहे हैं कि जो सड़कें हैं उन पर केवल लेपा पोती कर दी गई है, ऐसा वो कह रहे हैं कि केवल ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, जो खराब सड़कें थी उनकी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और निरंतर कार्य चल रहा है विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक एडवांटेज लेने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं से, और वो उसको खूब लेने का प्रयास भी करते हैं। जो अभी बात आई डिलीवरी का कि हाथ ठेले पे लेके गया, तो वैसे एडवांटेज अपने आप बनाया गया, निर्मित किया गया, जनता के सामने ऐसा लाया गया कि ताकि उसमें सत्ता पक्ष की सरकार को घेरा जा सके। यहां इन 20 सालों में खासकर इस देवतला विधानसभा में या रीवा में कोई भी काम हुआ नहीं। केवल जब कमलनाथ सरकार थी तो ये दो रोड, गढ़ रोड और तेदुआ रोड, दो रोड बनी है और वो रोड ऐसी बनी है कि स्पेशल रोड बनाई गई है। इसके बाद एक भी रोड आज जब चुनाव आ गया है तो चुनाव के पीरियड में दिखाने के लिए, केवल मौका परस्ती करने के लिए कि हाँ हम काम कर रहे हैं, तो रोडें अब थोड़ा सा शुरू की जा रही हैं, पर ये केवल चुनाव आने की स्थिति में हो रहा है। आज से 20 साल तक में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का द्वारा काम नहीं किया गया और पूरा का पूरा विधानसभा बिल्कुल कार्यविहीन है। और जो ये कहा जाता है कि यह सब कुछ अभी भाजपा शासनकाल में हुआ, तो क्या नई गढ़ी इसके पहले नहीं थी? नई गढ़ी में अस्पताल नहीं थी, नई गढ़ी में हायर सेकेंडरी नहीं थी, नई गढ़ी में और सारी जो सुविधाएं, कॉलेज नहीं थी, सारी की सारी व्यवस्था कांग्रेस शासनकाल में की गई है। कुछ गिने चुने बिल्डिंग बीजेपी द्वारा बना दी गई हैं और जब ये चुनाव आता है तो बस दिखावटी के लिए फीता काटा जाता है और शिलान्यास किया जाता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, आप लोग बता रहे हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, सब कुछ है, तो फिर कांग्रेस आकर यहाँ जीत क्यों नहीं पाती है? साहब ऐसा है कि यहाँ EBM से ये गोलमाल किया जाता है जनता। यदि आप उधर से ये बात सुन रहे हैं कि भाजपा के विधायक जी बहुत मजबूत हैं, तो अभी यहाँ पे जनपद का चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, इन्हें प्रत्याशी नहीं मिला कि अपना जनपद अध्यक्ष को प्रत्याशी चुनाव में खड़ा कर दें। ये दूसरे की मदद के लिए इन्होंने मदद लिया और उसको वो भी उनके साथ नहीं रहा, ये तो इनकी मजबूती है। और जीतने के लिए तो कांग्रेस हमेशा जीतती, सिर्फ EBM से हारती है, गोलमाल से हारती है। देखिए बिल्कुल देखिए, कह रहे हैं कि EBM से हारती है, क्या लगता है आपको EBM जिता रही है आपको? जहाँ EBM में वो जीत जाते हैं, जहाँ चुनाव जीत जाते हैं तहाँ की EBM बढ़िया है, और जहाँ हार जाते हैं तो EBM गड़बड़ है। इनसे पहले पूछिए कि इनके जमाने में रोड थी कहीं? आज तो बोल रहे हैं कि रोड बन रही है, ये है वो कर, इनके जमाने में क्या कभी काली डामर लगाए हैं? रोड कहाँ थी इनके जमाने में पूछने पर भाई साहब हैं लोग खड़े। जो हनमना से लेकर के रीवा तक पहुंची हुई है, ये बीजेपी वाले बताएं कि क्या उनके द्वारा निर्माण की गई है? ये नेशनल हाईवे जो बनारस से लेकर के और रीवा तक बनी हुई है 4 लेन, ये कमलनाथ के नेतृत्व में, कमलनाथ जब परिवहन मंत्री थे तब इन्होंने बनाया था। ये कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो तेदुआ मार्ग, गढ़ मार्ग बनाया गया, और बीजेपी के शासन में एक भी रोड बताई जाए जो स्पेशल रोड आपको दिखती हो और ये बता सके कि ये बनाई गई है। लेकिन वो ये एक बात कह रहे हैं कि EBM की बात, जहां आपका प्रत्याशी जीतता है वहां तो नहीं करते, जहां हार जाता है EBM को दोषी ठहराने लगते हो आप लोग? नहीं, EBM में तो गड़बड़ी है, EBM में पूरा मीडिया भी कह रहा है, बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि EBM में जहाँ 10,000 तक का होता है वहाँ 10,000 अपना 100-200 का होता है, जहाँ 500 से जीत जी।
नई गढ़ी में जो शिक्षा दिया है तो बिंद्रा प्रसाद पूर्व विधायक ने दिया है, उन्होंने नई गढ़ी को शिक्षा में आगे बढ़ाया है। भाजपा की सरकार में एक प्राइमरी संस्था नहीं खुली, ना एक स्कूल की बिल्डिंग बनी। जो भी कांग्रेस के जमाने में बिल्डिंगें बनी थी वो भी आज अधूरी पड़ी हैं, उसका छत नहीं डाला गया, ये प्रमाणित है, चल के देख लीजिए। भाई साहब ने कहा है कि जो कॉलेज का निर्माण बिंद्रा प्रसाद जी ने कराया है, उनने सेंशन कराया था 1988 में, लेकिन जो नई गढ़ी कॉलेज का भूमि पूजन होने के बाद कांग्रेस जमाने नहीं बन पाया, उनने हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने 2017 में 17 लगभग 6 करोड़ की बिल्डिंग बनवाई, अभी 18 करोड़ का लैब और लाइब्रेरी का माननीय जी ने किया है। इसके साथ हमारे कॉलेज जो नई गढ़ी देवतलाव मार्ग के अलावा सीएम राइजिंग स्कूल देवतलाव, सीएम राइजिंग स्कूल ढेरा, सीतापुर, नई गढ़ी और नई गढ़ी में आईटीआई कॉलेज जैसे कौशल विकास योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए माननीय जी ने 13 करोड़ रुपए का बिल्डिंग का काम चल रहा है। हमारा काम जो है वो धरातल पर है, आधार पर है, ऐसा नहीं कहवा हवाई है। सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफार्मर की है इस देवतलाव विधानसभा में। आप क्षेत्रों पंचायतों में ढूंढ लीजिए, अब तक ट्रांसफार्मर कहीं लगे नहीं हैं, उनके बिल आ रहे हैं। दूसरी समस्या किसान की है, खसरा सुधार की। कांग्रेस हमारी सरकार थी तो तहसीलदार के तहसील स्तर पर खसरा सुधार के कार्रवाई किसानों को जाती थी। आज तहसीलदार के बाद SDO SDM के बाद कलेक्टर के यहाँ जाती है, करीबन 1 साल से 6 महीने उसमें लगता है। तीसरा मुद्दा पेयजल की है। जितने ये प्रधानमंत्री जी की जल जल योजनाएं चलाई गई, एक भी क्षेत्र पंचायतों में, किसी भी टंकी गांव में चले जाइए, कहीं भी टोटी चालू हो तो आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब भी ले लेते हैं। कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर केवल रखे हैं, सोपीस बने, लाइट आती नहीं है, पानी को लेकर टंकियां तो बना दी लेकिन नल में पानी नहीं आता, फिर क्यों टंकी बना दी? बराबर पानी आ रहा, सब कुछ हो रहा है। चले चले चलिए, आपसे जान लेते हैं, आपसे जान लेते हैं, आप क्या करता है, आइए, कोई दिक्कत नहीं। विकास विकास के कार्य तेजी से चल रहे हैं, हर गांव में टंकियां बन गई हैं, कुछ में अगर कतिपय कार्य त्रुटि है उसमें काफी तेजी से सुधार किया जा रहा है। विकास में विकास ही मुद्दा होगा। 1 करोड़ रुपए का बस स्टैंड निर्माणाधीन है, 2 करोड़ का बहुउद्देशी भवन निर्माणाधीन है, 1 करोड़ रुपए का बस स्टैंड नई गढ़ी में निर्माणाधीन है। चश्मा उतार कर देखिए, अभी चल के दिखाता हूँ, निर्माणाधीन है। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क, ये भी निर्माणाधीन है, बराबर काम चल रहे हैं। विकास के और फिर भाजपा कहाँ पे होगी, कांग्रेस के जमाने में ट्रांसफार्मर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल जान लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि चश्मा उतार के देखोगे तब दिखाई देगा। चश्मा उतार के हमको आँख में प्रॉब्लम है, चश्मा की बात नहीं है। आप यहाँ से चलिए, जहाँ जितने ट्रांसफार्मर दिखते हैं हर तीसरा ट्रांसफार्मर आपको जला मिलेगा, चल के देख लीजिए, यहीं आगे देख लीजिए, अगर नल से पानी निकलता हो, एक बूंद निकलता हो तो आपसे कहिए। अभी मैं शर्त के साथ कहता हूँ, शर्त हार जाऊंगा, अगर जितने बार जहाँ बोर हुए हैं नल नहीं पड़ा है, पाइप लगा के पैसा निकाली, ये भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। किसी अध्यक्ष जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नल जल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप लगाना ही है, उनको विकास दिखाई नहीं देता है। ये भाई साहब जो कह रहे हैं, इनके इनके कार्यकाल में ट्रांसफार्मर केवल 13 थे, भाजपा के जमाने में 13 लाख हैं, अब एक हफ्ते में ट्रांसफार्मर आ जाते हैं और ये ठीक कह रहे हैं। ट्रांसफार्मर लगे हैं 100 पीस, बिजली एक भी नहीं चल रही है, एक भी मोटर नहीं चल रही है। चश्मा लगाने में भी लोग हैं, आधी दुकान चालू है फिर भी लाइट है, आधी दुकान रातों दिन दे रही है, रातों दिन लाइट लाइट नहीं आती। देखिए जो कांग्रेस बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके अपने अपने दावे और अपने वादे, हमने आपको कहता है वोटर में दिखाया कि किस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं वो हमने आपके दिखाए। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया, जनता से जुड़े सवाल उनसे पूछे, उनके अपने अपने दावे हैं कि इस बार जीतेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में यहाँ का मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देता है। आज के कहता है कि वोटर में इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नए शहर में एक नए विधानसभा क्षेत्र से, कहता है वोटर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।